इस वीडियो में सिर्फ फेवर ब्रांड के बारे में ही बात करूंगी, फेवर चिमनी मॉडल्स की रिव्यू करूंगी और मैं इस वीडियो में बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया की बाइंग गाइड कवर नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बाइंग गाइड जो है वो कवर कर चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। एंड प्लस जो इंडिया में फेवर ब्रांड के अलावा और भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं चिमनी के, वो भी मैं कवर नहीं करूंगी क्योंकि वो भी मैं अपने वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। एंड मेरी शॉप और शोरूम पर विजिट करने पर जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं और जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन एफएक्यूज़ हैं वो भी मैं उस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो ये तीनों ही चीज़ें मैं अपने बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया की वीडियो में कवर कर चुकी हूँ जो लगभग 8-9 दिन पहले मैंने पब्लिश किया था। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और प्लस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर आप चेक कर सकते हो। सबसे पहली लिस्ट में बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया में लेटेस्ट जो इस टाइम चल रही है उन्हीं सारे के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है फेवर वुड एस प्रो। ये एक 60 सेंटीमीटर की फिल्टरलेस चिमनी है जो कि सक्शन कैपेसिटी 1100 के साथ आती है और ये एक बहुत अच्छी चिमनी है जो आपको बजट में मिल जाएगी। बजट में क्यों मिल जाएगी? बिकॉज इसमें कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं है लाइक मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी और इसकी सक्शन कैपेसिटी 1200 से थोड़ी कम 1100 है क्योंकि 60 सेंटीमीटर की चिमनी 1000 से 1200 तक सक्शन कैपेसिटी के साथ अच्छी होती है, इसीलिए मैं आपको ये चिमनी रिकमेंड कर पा रही हूँ। एंड सक्शन कैपेसिटी 1100 सफिशियंट है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सारी रिक्वायरमेंट आपकी चिमनी की फुलफिल कर देगी। अगर इसकी कॉन की बात करें तो कॉन भी इसमें यही है कि मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉन नहीं है। अगर आपके हिसाब से भी कॉन ना हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया चिमनी है। मैं मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में बता देती हूँ। मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी होती है कि चिमनी को आप वेव हैंड करेंगे तो चिमनी ऑपरेट हो जाएगी। उस चीज़ के लिए होती है जब आपके हैंड्स डर्टी हैं और आपको लगता है कि ऑन या ऑफ करना है, कुछ भी करना है, तो आपके जब हैंड्स डर्टी हैं तो आप चिमनी को ऑपरेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से भी अगर ये एक एडिशनल फीचर है तो आप क्यों उसमें पैसे ज़्यादा डालेंगे? आपको एक बजट में अच्छी चिमनी मिल रही है तो इसकी ये जो फीचर है इसका चिमनी की परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और ये चिमनी बाय कर सकते हैं। बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया के लेटेस्ट मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट पे आता है मेरा फेवर हुड एवरेस्ट INDSC TC HC BK 60 की चिमनी। लास्ट ईयर इसका एक मॉडल था जिसका नाम था फेवर हुड एवरेस्ट SC TC HC BK 60, बहुत लंबा नाम है, लेकिन लास्ट ईयर वाला जो मॉडल था उसमें INDSC नहीं लगा हुआ था। आपको लेटेस्ट मॉडल ही हमेशा लेना चाहिए। लेटेस्ट मॉडल इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, लास्ट ईयर वाला रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ, ये 60 सेंटीमीटर की चिमनी है और फिल्टरलेस चिमनी है ऊपर वाली चिमनी की तरह, लेकिन इसकी सेक्शन कैपेसिटी 1200 है। ऊपर वाली चिमनी की जो फर्स्ट में थी वो 1100 सक्शन कैपेसिटी थी। तो अगर आपको लगता है कि 1100 आपके लिए सफिशियंट सक्शन कैपेसिटी नहीं है, हालांकि 60 सेंटीमीटर की जो चिमनीज होती हैं उनके लिए 1000 से 1200 के बीच में 1200 तक अच्छी रहती हैं सक्शन कैपेसिटी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो सक्शन कैपेसिटी है वो 1200 ही होनी चाहिए, तो आपको ये वाली चिमनी लेनी चाहिए। एंड ऊपर वाली चिमनी में आपको मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी, जबकि आपको इस वाली चिमनी में मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी मिल रही है। मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका चिमनी की परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे ये फीचर भी चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा सक्शन कैपेसिटी चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्राइस मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज प्राइस वेरी होते रहते हैं, तो अभी मैं कोई भी प्राइस नहीं बताऊंगी। इसीलिए मैंने उसके लिंक जो है चिमनीज़ के, जो मैं इस वीडियो में चिमनीज़ बता रही हूँ उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर प्राइस चेक कर सकते हैं, बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। एंड ये दोनों ही चिमनी फर्स्ट और सेकेंड फिल्टरलेस है। फिल्टरलेस में आपको बता दूँ क्या होता है, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको फिल्टर साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों ही बच जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है, ऑटो क्लीन बटन होता है जिसको प्रेस करने के बाद आपको ऑयल कलेक्टर में ऑयल आ जाता है और उस ऑयल कलेक्टर को साफ करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, वो भी कभी कभी। तो आप दोनों का कंपेरिजन मैंने बता दिया है डिटेल में, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उन वैसी चिमनी ले सकते हैं। बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया 2022 की लेटेस्ट मॉडल में थर्ड नंबर पे जो चिमनी आती है वो है फेवर की 6-way चिमनी। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी चिमनी है।
बिकॉज ये अदर चिमनी से 25% ज़्यादा सक्शन कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, 15% ज़्यादा ग्रीस रिडक्शन कर पाती है एंड 10 dB लेस नॉइज प्रोड्यूस करती है अदर चिमनीज से। एंड ये T2S2 टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जैसे कि देख सकते होंगे जो धुआं फिल्टर्स स्मोक डर्ट फिल्टर्स से बच जाता है वो हुड में इसमें बैंड्स लगे हुए हैं, तो फिल्टर्स के धुआं और स्मोक और अदर पार्टिकल्स सक करने के बाद जो भी चीज़ धुआं वगैरह बचता है वो हुड में लगे हुए बैंड्स द्वारा सक कर लिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किचन का एनवायरमेंट क्लीन करने में ये चिमनी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। 3D सक्शन कैपेसिटी है, ट्रायंगुलर टेक्नोलॉजी है एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये वेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सारे धुएं वगैरह को सब कुछ सक करने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार चिमनी है क्योंकि हम चिमनी लेते ही इसलिए कि हमारा किचन का एनवायरमेंट एकदम क्लीन रहे और ज़्यादा सक कर पाए। तो आपको ये चिमनी लेनी चाहिए। और इसकी अगर वैसे सक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1250 सक्शन कैपेसिटी है एंड ये 60 cm की फिल्टरलेस चिमनी है अदर दो चिमनीज की ही तरह। लेकिन इसमें क्या खास बात है मैंने आपको बता दी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी चिमनी लगती है। एंड अगर इसके कॉन की बात करें तो ऑफकोर्स मुझे इसमें ऐसा कोई भी कॉन नज़र नहीं आया जो मैं आपको इसमें बता सकूं। बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया की 4th लिस्ट में लेटेस्ट मॉडल जो है वो है फेवर हुड ग्लास प्रो PVBK LTW। इसका भी लास्ट ईयर 2021 में एक मॉडल था लेकिन ये वाला मॉडल जो है वो 2022 का है। आपको लेटेस्ट मॉडल ही हमेशा रिकमेंड करूंगी और वही आपको लेने चाहिए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक 60 cm की चिमनी है लेकिन इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही ऑटो क्लीन फीचर आपको मिलेगा जो कि आपको ऊपर जो 3 चिमनीज मैंने बताई थी उनमें मिला था। ये एक आपको मैनुअल एक सिंपल सी चिमनी है और ये आपको इसमें आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज सिंपल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किचन की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं करेगी, आपकी किचन की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल फुलफिल करेगी। बट आपको इसमें बस इतना सा याद रखना है कि इसके फिल्टर्स की साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप फिल्टर्स फ्रिक्वेंटली साफ नहीं करेंगे तो इसकी सक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी जिससे चिमनी कम परफॉर्म करना शुरू कर देगी, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस लो पड़ जाएगी। तो इसमें चिमनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल और सिंपल चिमनीज में होता ये है कि वो अदर चिमनीज की तरह ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, बट जो सिंपल चिमनीज होती है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो फिल्टर्स की क्लींजिंग है वो आप फ्रिक्वेंटली करें जिससे उसमें कोई भी ऑयल या कुछ भी मतलब चिपक कर ना रह जाए, वो क्लीन होने चाहिए। बात करें तो इसकी 60 cm में सक्शन कैपेसिटी 1000 है जो कि सफिशियंट है बिकॉज 60 cm की चिमनी 1000 से 1200 सक्शन कैपेसिटी के साथ अच्छी होती है। एंड ये पिरामिड डिज़ाइन के साथ है, ऊपर जो 3 चिमनीज मैंने बताई थी वो कर्व ग्लास डिज़ाइन के साथ थी, ये पिरामिड डिज़ाइन के साथ है। तो इसमें एक और बेनिफिट ये है कि अगर गैस स्टोव के ऊपर आपकी जगह कम है चिमनी लगाने की तो कर्व ग्लास चौड़ी होती है और ये पतली है, तो इसमें ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप आराम से ये वाली चिमनी लगा सकते हैं। एंड ये मॉडर्न दिखने में अच्छी है, सिंपल के हिसाब से ऐसा नहीं है, दिखने में अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। एंड इसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिए। एंड इसके अलावा इसके बात करें तो इसमें 7 ईयर ज़्यादा मोटर और रोटर पे वारंटी है अदर चिमनीज से। एंड इसमें 3 लेयर बैफर फिल्टर्स हैं, 3 लेयर बैफर फिल्टर्स इंडियन किचन के हिसाब से अच्छे होते हैं। बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की, अगर कॉन की बात करें तो इसमें 59 dB नॉइज होती है बिकॉज फिल्टर्स जो होते हैं सक करते हैं जब सक्शन कैपेसिटी के दौरान जो है ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। तो 50 नॉर्मली जो चिमनी मैंने रिकमेंड की है वो 58 dB की है और आइडियल नॉइज होता भी 58 dB है, बट इसमें 58 dB ना होकर 59 dB नॉइज है, थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आप एक सिंपल चिमनी लेना चाहते हैं और अपना लुक भी अच्छा रखना चाहते हैं
तो ये एक परफेक्ट चिमनी है, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में ये डाली है। और लेटेस्ट 2022 का मॉडल है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बस आपको इसमें फिल्टर्स की क्लींजिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको इन्वेस्ट तो कम करना पड़ेगा ही। और इसमें जो टच कंट्रोल वगैरह नहीं, कुछ बटन वगैरह ही हैं चिमनी को ऑपरेट करने के लिए। बेस्ट वीवर चिमनी इन इंडिया के लेटेस्ट मॉडल में 5th नंबर पे। अब मैं 90 सेंटीमीटर चिमनी की बात करूंगी, जो की है फेवर हुड एवरेस्ट SCBK। जो मैंने 2nd नंबर पे चिमनी बताई थी वो भी इसी मॉडल की थी, उसके फीचर्स और इसके फीचर्स सब कुछ सेम है, बस वो 60 सेंटीमीटर की चिमनी थी 2nd नंबर पे जो बताई थी, ये 90 सेंटीमीटर की चिमनी है। तो इसके फीचर्स एवरीथिंग ऑलमोस्ट सब सेम है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं ऊपर पहले बता चुकी हूँ। उसी का एक ये 90 सेंटीमीटर मॉडल है, जो जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सब कुछ सेम है, बस वो 60 का था, ये 90 सेंटीमीटर का। बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया की लिस्ट में 6th नंबर पर लेटेस्ट मॉडल है, वो है फेवर का हुड प्रीमियम प्लस एनर्जी SCBK। ये भी एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी है वो, एंड इसमें फिल्टर लेस टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यस इसमें ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। इसमें फिल्टर्स तो हैं लेकिन यस आपको ऑटो क्लीन फीचर मिल जाएगा। ऑटो क्लीन बटन प्रेस करने पर ऑयल कलेक्टर आपका जो ऑयल जितना भी है वो ऑयल कलेक्टर में आ जाएगा, जिसको साफ करने में अगेन आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, वो भी कभी कभी हमेशा आपको फिल्टर्स निकाल कर तो साफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी इसमें है ही। एंड इसकी सक्शन कैपेसिटी की बात कर ले तो 1500 सक्शन कैपेसिटी, ऊपर जितनी भी चिमनीज मैंने बताई है, इनफैक्ट सभी चिमनीज में, फेवर चिमनीज में सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावरफुल सक्शन कैपेसिटी इसमें आपको मिल रही है, विच इज 1500 सक्शन कैपेसिटी, जो हाईएस्ट है। एंड इसमें 2 वेफल फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, एंड ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मैंने बताई, हाँ यस फिल्टर्स फिल्टरलेस नहीं है। एंड इसके कॉन की बात करें तो इसमें मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि हाथ वेव करने पर आपकी चिमनी ऑपरेट होती है, विच इज अगेन इसके चिमनी की परफॉर्मेंस से कोई भी मतलब नहीं है। ये 60 सेंटीमीटर का मॉडल है, इसी के सेम बेनिफिट्स चाहते हैं, सेम फीचर्स स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम चाहते हैं। इसी का एक 90 सेंटीमीटर का भी है 60 सेंटीमीटर के साथ साथ, तो 90 सेंटीमीटर के लिए भी 1500 सक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैंने पहले ही बोला बहुत पावरफुल सक्शन आपको इसमें मिल जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर आप चेक कर सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया 2022 मॉडल में 7th नंबर पे, विच इज द लास्ट चिमनी, ये बिल्कुल हटकर चिमनी है, जो है फेवर एरोस्टेशन स्टार प्रो, विच इज अ 3-in-1 चिमनी विद एयर प्योरीफायर एंड फैन। तो ये सिर्फ एक चिमनी नहीं है, ये एयर प्योरीफायर और फैन के साथ है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस चिमनी में मिल जाएगा। एंड बात करें तो इसमें जो एयर प्योरीफायर लगा है वो आपकी बैड स्मेल को बिल्कुल हटा देगा, एंड 95% तक एफिशिएंसी देगा आपको ये एयर प्योरीफायर कुकिंग के दौरान, तो सारी बैड स्मेल बिल्कुल हवा को प्योरीफाई कर देगा। एंड जो एयर प्योरीफायर में जो हेफा फिल्टर यूज होता है वो, एंड दूसरे नंबर पे बात करें तो फैन है इसमें, हॉट समर्स के दौरान कुकिंग के दौरान आपको इसमें एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, एंड एयर प्योरीफायर फैन हो गया। एंड इसके बाद बात करते हैं इसमें 3 लेयर वेफर फिल्टर्स हैं। 3 लेयर वेफर फिल्टर्स की ये खासियत होती है कि आपका जो स्मोक है, डस्ट है, अदर पार्टिकल्स हैं, वो आपके मोटर तक पहुंचने नहीं देते हैं, यानी कि फिल्टर्स प्रिवेंट करते हैं। इस केस में आपके मोटर बिल्कुल सही रहता है, उस पर कोई ऑयल वगैरह चिपकता नहीं है, बिकॉज वो फिल्टर्स जो ऑयल स्मोक सक करते हैं वो मोटर तक जाने ही नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल हटकर चिमनी है, फेवर की नेक्स्ट जनरेशन चिमनी है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें मिल रहा है। बट ये इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें फिल्टर्स हैं, बिकॉज ये अच्छी है, अच्छी भी बात है, बिकॉज तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, तो फिल्टर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी किचन से सक्शन पावर वगैरह सक करने में। और जो फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी होती है वो एक नॉर्मल कुकिंग में होती है, लेकिन अगर आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और अच्छा
ऑयली खाना, मसालेदार खाना बन रहा है तो फिल्टर्स ही आपके इसमें बेस्ट हैं जो आपको एक अच्छी सक्शन दे पाएंगे। तो इसी के साथ मेरी फेवर की जो टॉप 7 बेस्ट फेवर चिमनी इन इंडिया की लिस्ट थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। और सारे जो प्रोडक्ट्स के लिंक है जो मैंने इस चिमनी इस वीडियो में जितनी भी चिमनीज बताई है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 2021 के कुछ मॉडल थे वो मैंने नहीं लिए, 2022 के जो अभी लेटेस्ट जो मुझे दिखे और मैंने सर्च करने के दौरान जो मुझे मिले थे तो वो मैंने इसमें आपको रिकमेंड किए हैं, तो वो नीचे जाकर चेक कर सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अगेन कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज मैं अपने शोरूम विजिट पर जाती रहती हूँ और खुद की डीप रिसर्च के साथ साथ तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी। ये चैनल होम किचन और लाइफ स्टाइल गैजेट से रिलेटेड है। मेरी एक वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। फेवर चिमनी इन इंडिया जो मैंने चिमनी बताई है मैं 1.5 साल से रिकमेंड कर रही हूँ अपनी वेबसाइट पर, लोगों ने खरीदी है उसमें से वापस नहीं किए, वो मेरे हैप्पी कस्टमर्स हैं। एंड इसके अलावा जो रियल इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज वगैरह वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।